गाइस, आप इस तरह व्रत कथा सुनने के बाद आप व्रत कीजिए। एक ही टाइम आप भोग खाना खा सकते हैं। आप पीला पदार्थ खाएं, आप चाहे छिलका ले लें, दही ले लें, कुछ भी आप खा सकते हैं। बस केला मत खाइएगा आज के दिन, क्योंकि केले के पेड़ में ही पूजा किया जाता है। और आखिरी में आप इस तरह दीपक जला के भगवान विष्णु का आरती कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। गुरुवार के दिन आप लोगों को केले के पेड़ में जल में चना दाल डाल के अर्घ देना होता है भगवान विष्णु को, और पीला फूल चढ़ाएं, गुड़ एवं चना दाल चढ़ाएं और उनका भोग लगाएं, और साथ ही आप कथा एक दीपक जला के फिर आप उनको सुन सकते हैं। और आज वो कथा मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। आप चाहे तो ये मेरा ब्लॉग में देखकर भी ये व्रत आप कर सकते हैं। इस किताब से ही आज मैं व्रत की कथा पढ़ने वाली हूँ। व्रत के ये देखिए भगवान जी का व्रत के लिए चना दाल और गुड़। आप इस प्रकार पूजा कर सकते हैं, और आप इस तरह पीला वस्त्र पहन के पूजा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कथा इस प्रकार से है। बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं कुआं, तालाब, बावड़ी बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञादि कराओ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपके नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से पहनावा हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार सात बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल तीन बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय
परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ। रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी, अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक मैं हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक बड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनुक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पी ले, खाद्य पदार्थ का करे तथा सुने। इस प्रकार करने से गुरुवार भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। उसने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब वह बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया तथा इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे दो थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन लेकर तुम दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन
अपने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए दो थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरुवार भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और प्रश्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार से कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश डालने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्हें प्रार्थना की और भगवान से रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा को कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने का उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम्हारा रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, उन्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा, बृहस्पति देव की कथा। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं।